एक प्रयास मंच द्वारा जिलाधिकारी को एक आवेदन सौंपा गया, जिसमें मैट्रिक परीक्षा से पहले शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए काटी गई सड़क और नाले निर्माण को पूरा करने, साथ ही परीक्षा केंद्र के पास एक चलंत शौचालय पाने की व्यवस्था की मांग की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए काटी गई सड़क और नाला निर्माण सही समय पर पूरा नहीं होने से लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पूर्व इंटर की परीक्षा देने आए परीक्षार्थी भी ट्रैफिक में फंसे तो कई चोटिल हुए। संजय रजक ने आगे कहा कि 15 फरवरी गुरुवार से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है और इन बच्चों को ऐसी घटना का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पहले से ही सही व्यवस्था की जाए। साथ उन्होंने अपने मंच के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा के छात्र छात्राओं से निवेदन किया कि सभी परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे। मैंने अपने सर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय से एक ज्ञापन सौंप कर एक मांग की है। मांग ये की है कि अभी अपने सर मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी निर्माण के नाम पर जगह जगह सड़कें काटी जा रही है, नाला के निर्माण हो रहा है और ये सब काम समय पे नहीं होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। खासकर अभी कुछ दिन पहले इंटर की परीक्षा थी, बच्चे अपने शहर में आए थे, परीक्षा देने के लिए आए थे और खुले नाला होने की वजह से, जगह जगह सड़क कटे होने की वजह से कुछ बच्चे चोटिल भी हो गए थे और कुछ बच्चे जाम में फंसने के कारण समय पर केंद्र पर नहीं पहुंच पाए तो उनका परीक्षा छूट गया, जो कि बहुत दुखद है। और साथ ही जो बच्चे आए थे, उनके परिजन आए थे, उनको केंद्र के बाहर वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, चाहे वो पानी का हो चाहे शौचालय का हो, उसे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसी के लेकर आज मैंने अपने शहर के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जो भी अपने शहर में स्मार्ट में जो काम चल रहा है, अभी जो मुख्य परीक्षा केंद्र के आसपास जो भी मुख्य सड़कें वहां पे जो काम चल रहा है, वो जो भी सड़कें कटी हुई है, नाला खुला हुआ है, उनको फिलहाल उसको बंद किया जाए या कोई ऐसा किया जाए ताकि बच्चे जाम में ना फंसे और बच्चे सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और बच्चे को परीक्षा ना छूटे। और दूसरा ये है कि परीक्षा केंद्र के आसपास एक चलत शौचालय और पानी की व्यवस्था किया जाए ताकि जो बच्चे के गार्जियन आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं और खासकर महिला और छात्रों के लिए शौचालय के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो न करना पड़े, इसके लिए मैंने मांग की है कि परीक्षा केंद्र के आसपास एक पानी की व्यवस्था किया जाए और चलत शौचालय की व्यवस्था किया जाए ताकि बच्चे उनके परिवार को किसी प्रकार कोई कठिनाई का सामना करना ना पड़े। और साथ ही मैं और संजय उन परीक्षार्थियों से यह कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम से पहले कम से कम एक घंटा पहले ही निकले ताकि आप सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और ताकि आपका परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और अपना परीक्षा दे, परीक्षा छूटे ना। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाई IAO एंड एफिलियेटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।